नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लोगों की देशभक्ति पर कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर इस तरीके का बयान आता है तो उसे क्या समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारना चाहते हैं या हृदय परिवर्तन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद जिस तरीके की एक छवि क्रिएट की गई है भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे बीजेपी की और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की छवि में बदलाव आएगा या तमाम विरोधियों का मुंह इस बयान के बाद बंद हो जाएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नाउ यस, फॉर श्योर देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स इन आवर रिलेशनशिप इन द लास्ट सेंचुरी, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या अब मोदी विरोधियों की बोलती बंद हो जाएगी? क्या देश के मुस्लिमों का दिल जीत पाए मोदी? क्या ये मोदी का बड़ा यू टर्न है? अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि के लिए पहचाने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। मोदी ने पीएम बनने के बाद पहला इंटरनेशनल इंटरव्यू देते हुए कहा, देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अलकायदा भारतीय मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है। यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि भारतीय मुसलमान ऐसी बातों पर ध्यान देता है तो यह उनका भ्रम है। भारत के मुसलमान देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे कभी भी देश के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। ये बातें पीएम मोदी ने सीएनएन को इंटरव्यू में कही जिसमें अलकायदा के उस वीडियो के बारे में सवाल किया गया था जिसमें इस आतंकवादी संगठन के प्रमुख ने भारत और साउथ एशिया में अलकायदा के विस्तार की अपील की है। नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में आगामी अमेरिका यात्रा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की, साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी जोर दिया। बीते समय में दोनों देशों के रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, मगर भारत और अमेरिका वास्तविक सामरिक साझेदारी विकसित कर सकते हैं। भारत और अमेरिका में कई समानताएं हैं। अमेरिका ने विश्व भर के लोगों को अपनाया है तथा विश्व के हर कोने में एक भारतीय मौजूद है। भारत और अमेरिका इतिहास और संस्कृति से जुड़े हैं। ये जवाब पीएम मोदी ने इंटरव्यू के उस सवाल पर दी जब उनसे पूछा गया था कि क्या वह मानते हैं कि अमेरिका भारत के साथ सही मायने में रणनीतिक गठजोड़ का इच्छुक है। कहीं न कहीं मोदी पर विरोधियों को हमला करने का भी मौका मिला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर मोदी की चुटकी ली। मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। गजब का हृदय परिवर्तन है। क्या वो सही में ऐसा मानते हैं? ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि क्या पीएम मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक चाल चलकर एनडीए के वोट बैंक में मुस्लिमों को भी जोड़ने की कोशिश की और देश के मुसलमानों में बनी अपनी छवि को बदलने का प्रयास किया है? सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो दो सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तरफ से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि जिस तरीके से अब तक एक हिंदूवादी छवि उभर कर सामने आई है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब जिस तरीके का बयान आया है उसके बाद मोदी विरोधियों की बोलती बंद हो जाएगी, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। चंद्रशेखर राय साहब बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुखबीर सिंह हुड्डा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। मुफ्ती इजाज साहब मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान से मुस्लिमों के अंदर या अल्पसंख्यकों के अंदर किस तरीके की मैसेज जा रहा है। दुष्यंत कुमार शर्मा कांग्रेस नेता मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत जो है मैं आपसे करना चाहता हूं राय साहब, ये एक कोशिश किस चीज के लिए है? क्या छवि सुधारने के लिए है या फिर अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए? देखिए सुमित जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको और बाकी जनता को बताना चाहूंगा, छवि सुधारने की या विरोधियों को बंद करने का मामला नहीं है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या जितने भी धर्म हैं सब एक हैं। हम जब धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं तो वहां एक देश की बात करते हैं।
मोदी जी ने उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश करी है जो बाहर की ताकतें हिंदुस्तान में घुस करके आतंक फैलाना चाहती हैं। आपने अलकायदा और आईएसआई का जो आपने बयान सुना होगा, उसमें कहीं ना कहीं उनका टारगेट हिंदुस्तान के उन लोगों को पकड़ने का था जिसको बरगला करके जातीय या धर्म के आधार पर हम बांट करके हिंदुस्तान में एक तरह से अराजकता या आतंकवाद को बढ़ावा देने का मामला था। उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है, हमारे हिंदुस्तान में इन चीजों को जवाब देने की जरूरत नहीं कि हमारा विरोधी क्या कह रहा है या हमको इसकी क्या जरूरत है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्र है ऐसा जहां धर्मनिरपेक्षता होती है, और जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी भी धर्मनिरपेक्षता के अलावा कोई बात कही नहीं आज तक। इन्हीं बातों के जवाब देने के लिए मैं यहां पर आपके संग। इजाज़ साहब, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें कह रहे हैं कि उन्हें मुस्लिमों के या फिर किसी को भी मुस्लिमों की जो इच्छा है या उनकी जो भावना है देशभक्ति को लेकर या देश को लेकर, उस पर शक नहीं होना चाहिए, आप लोग क्या मान रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र? देखिए, जो अभी जो बयान आया है, यकीनन इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा बयान आया है, और मुसलमान ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि आज के संदर्भ में, खासतौर से अभी का जो इस वक्त का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें कुछ स्टेटमेंट बीजेपी के लीडरों से या वीएचपी लीडरों से ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिससे में मुसलमान अपने आप में बहुत ज्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में लव जिहाद का इशू बगैर किसी बुनियाद के, बगैर किसी मतलब के, इतना ज्यादा उठाया गया कि हर मुसलमान अपने आप में जो है अजीब तरह की फीलिंग महसूस कर रहा था। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान, गिरिराज किशोर का भी बयान, मदारिस के मदरसे वगैरह के बारे में, आप लोगों को क्या लग रहा है ये कवरअप है? तो नहीं, हम लोग सोच रहे थे अभी कि इस संदर्भ में जो बयान आना चाहिए था, हम लोग बल्कि से ये सोच रहे थे कि पीएम को जो है, जब से वो पीएम कैंडिडेट बने हैं तभी से वो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं जो एंटी मुस्लिम हो। हमेशा उन्होंने जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। ये इसका कवरअप तो नहीं था ना? मैंने आपसे कहा बिल्कुल ये कवरे वाला मामला ये नहीं, कवरअप का मसला था ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री शुरू से, मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है, वो जिएगा भी यहीं और मरेगा भी यहीं के लिए, तो उसके पीछे ये कोई भावना किसी को कवर करने के नहीं, बल्कि ये कहना कि हिंदुस्तान एक है। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं, केवल मुस्लिम की बात नहीं करते, मैं सिख की बात करता हूं, ईसाई की भी बात करता हूं, हिंदू की बात करता हूं, और जब हम भारत में विकास की बात करते हैं, हम भारत में जब हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, विकासशील देशों से निकल के विकसित देशों की तरफ पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो वहां हम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि इस जो मैसेज के माध्यम से उन्होंने वर्ल्ड को चेताया है कि आप लोग हमारे यहां धर्म के अंदर राजनीति न करें, और हमारे यहां अगर किसी आपको लगता है कि इस धर्म विशेष को पकड़ करके, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये जो धर्म है ये बहुत भोला भाला धर्म है। इस बात को मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी और बाकी चैनल के माध्यम से भी मैंने कई बार कहा है कि वोट की राजनीति के लिए बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। वो लोग अगर ऐसा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, अगर उनके मन में ये बात आती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी भी साथ उस काम को कर रहे हैं, तो ये गलत फहमियां हैं। चलिए ठीक है, जाज साहब आप लेकिन बात कर रहे हैं, कवरअप नहीं था ये किसी भी तरीके का? देखिए, हर आदमी अलग अलग एंगल से सोचते हैं, अगर इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सोचेंगे तो देखिए ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले मनमोहन सिंह भी जब यूएन में गए थे तो उन्होंने भी ठीक इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि हमारे हिंदुस्तान में अलकायदा या तालिबान का आज तक कोई सदस्य नहीं पाया गया, इसी से रिलेटेड बयान था, इसी अंदाज का था। तो ये एक तो ये कि मुसलमानों को देशभक्ति कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये पहली बात सोचनी होगी। ये मुसलमान ये तो ऐसा ही है जैसा हम किसी के बारे में जो इस देश का वासी है और उसके बारे में हम कहें कि वो देशभक्त है, अरे जब देश के हैं, हम यहां के हैं, यहां रहेंगे, यहां के लिए जान कुर्बान करेंगे, तो ये सर्टिफिकेट वाली बात कहां से आ रही है? सवाल ये है कि एक देश का प्रधानमंत्री बात जो की है ना, उसको हम इस एंगल, बुखारी साहब का भी ये स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिमों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, वो उसको हम सर्टिफिकेट नहीं समझ रहे हैं, इस एंगल से हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं उस बयान को, और हम स्वागत कर रहे हैं, और मैं प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दे रहा हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और बिल्कुल बरवक्त दिया है, इसलिए कि अभी कुछ दिनों पहले एक हफ्ता पहले तो गिरिराज किशोर ने इतने खतरनाक बयान दिए थे, कैसा समर्थन है? एक तरफ इमाम बुखारी साहब कह देते हैं कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी मुस्लिम को सर्टिफिकेट, वही बात आप भी कह रहे हैं? नहीं नहीं, किसी सर्टिफिकेट की कॉमन बात हुई, वो एक कॉमन बात हुई है कि देखिए किसी के सर्टिफिकेट, चाहे वो प्रधानमंत्री दे या राष्ट्रपति दे या कोई भी इस देश का शहरी है तो वो शहरी है और ये मतलब देशभक्त है, उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बयान दिया गया है वो बहुत अच्छा बयान है, बरवक्त बयान है, और ये खास तौर से उन लोगों को भी इस बयान को सामने रखना चाहिए जो मुसलमानों के लिए अभी जहर उगलते हैं, जैसे गिरिराज किशोर पिछले दिनों मदरसे को लेकर के बयान दे रहे थे, आदित्यनाथ बयान देते रहते हैं, या इस तरह के लोग जो बयान देते रहते हैं, मैं समझता हूं कि इस बयान से जो है उन लोगों की भी हौसला, उन लोगों का हौसला टूटेगा, इसलिए ये जरूरी था बयान आना। ठीक,
हुड्डा साहब, अगर पॉलिटिकल एंगल इस बयान का देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कहना चाहते थे इस बयान के जरिए? क्या सिर्फ अलकायदा को एक मैसेज देना था या अपने बैकग्राउंड में जाकर कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी अपनी एक इमेज जो है उसे मुस्लिमों की तरफ कहीं ना कहीं झुकता हुआ दिखाना था कि हम जो हैं कुछ नरमी बरत रहे? देखिए सुमित जी, अभी तक जितने भी चैनल्स के ऊपर डिबेट चल रही है, काफी चैनल्स ने ये मुद्दा उठाया है, उसके अंदर ये अभी भी समझ पाने में कि ये बयान मोदी साहब का किस कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, उसको अभी उसको समझ नहीं पा रहे। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बयान है ही नहीं, ये इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन सिटीजन के लिए तो रिलेटेड है ही नहीं ये बयान मोदी साहब ने। ये तो ग्लोबल लोगों के लिए, जो ग्लोबल कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़कर बाकी के जो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज है उनके लिए मैसेज है, उनके हेड ऑफ द स्टेट के मैसेज के है कि भाई कोई भी इस मुखालफत में मत रहना कि हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम को आप बरगला के कहीं इधर उधर आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मोदी साहब का इससे इंडियन कॉन्टेस्ट से या इंडियन मुस्लिम्स की इंटीग्रिटी को डाउट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसको तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर आप इसका पूरी तरीके से एनालिसिस करें इस डिबेट का या इस हम पॉइंट पे जिस पे हम बात करें मोदी साहब का, मोदी साहब का बिल्कुल जहां तक मैं स्टडी कर पाया हूं या बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की मैंने भी व्यू सुने हैं, मोदी साहब ने इसके अंदर इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर ना तो उनका कोई टारगेट है ना उनकी कोई उसके अंदर मंशा है। उन्होंने तो एक ग्लोबल के जो लोग जो आगे हमारी जो इमेज है कंट्री की उसको सुधारने की उसने कोशिश करी है, उसके अंदर एक पहल है। क्योंकि मोदी साहब ऑलरेडी देखिए एशियन कंट्रीज के लिए मोस्टली मोदी साहब की सब रीच में आ गए, मोदी साहब चले गए या उनको बुला लिया गया है। अब मोदी साहब क्योंकि यूएस जाने वाले, एक बड़े कॉन्टिनेंट में जाने वाले, वहां से जाने से पहले मोदी साहब का एक मैसेज कहा जा सकता है, जो पिछले दिनों एक वीडियो आया जिसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर अपने पैर जमाए जाएंगे, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, ये उनके लिए वार्निंग है। हाँ बिल्कुल, उनके लिए वार्निंग है ये। एजाज साहब, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकायदा को इस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं और अगर इस तरीके की कोशिश हो रही है कि अलकायदा के पास एक स्ट्रांग मैसेज जाए, भारतीय मुसलमानों कमजोर ना समझा जाए, अगर उनका पूरा जो स्टेटमेंट है, मैं एक बार पढ़ना भी चाहता हूं उस स्टेटमेंट को, देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, अलकायदा भारतीय मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है, यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि भारतीय मुसलमान ऐसी बातों पर ध्यान दे तो ये उनका भ्रम है। भारत के मुसलमान देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, वे कभी भी देश के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, वो देश के बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। यहां पर अलकायदा को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग भले ही टारगेट कर रहे हो यहां पर, लेकिन हमारे मुस्लिम जो हैं या हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इतना कमजोर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी के बाद क्या अलकायदा को वो स्ट्रांग मैसेज चला गया? नहीं, बिल्कुल अलकायदा को इसका मैसेज मिलेगा और यकीनन आलमी सतह पर जो वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जो भी ये बात कही है एक तरह से मुसलमानों के दिल की तर्जुमानी की है, उन्होंने दिल की आवाज बनकर के उन्होंने ये बात कही है कि इस देश के मुसलमान जो है इतने कमजोर नहीं है कि किसी बाहर कंट्री की ताकत के बहलावे पर या फुसलावे पर आ जाएगा, या अलकायदा अगर यहां आकर के चाहे हमारे यहां और हमारे नौजवानों को बहलाना फुसलाना तो उसके बहलावे में आ जाए, इतने कमजोर नहीं है, या इसका दीन ईमान या ये हुब्बुल वतनी जिसे कह ले अपने देश से मोहब्बत इतना कमजोर नहीं है कि ये दूसरे के बहकावे में आ जाए। तो ये बहुत बड़ी बात मुसलमानों की तरफ से उन्होंने कही है और उससे ये इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन से पहले ही से, जब से वो पीएम के कैंडिडेट का उनके नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद ही से मैंने उनका देखा स्टेटमेंट जो मुसलमानों से रिलेटेड, हमेशा उन्होंने 125 करोड़ भारतीय की बात की, कभी वो सिर्फ हिंदू की बात नहीं की उन्होंने, यहां पर अभी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इस तरीके की स्टेटमेंट की उम्मीद की जा रही थी और उस तरीके का स्टेटमेंट आया है। हालांकि राय साहब ने भी कहा है कहीं ना कहीं वो उसका कवरअप नहीं था और उस बारे में वो कहीं कहीं सफाई नहीं दे रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट के बाद अब तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ जो बोलते रहे हैं, खासकर जो विरोधी हैं अल्पसंख्यक समुदाय, तो उनका तमाम जो है जो बयानबाजी वो बंद हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी? जो आप लोग भले ही सर्टिफिकेट नहीं मान रहे, आप लोगों की तरफ से सर्टिफिकेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? देखिए वो जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो तो एक अलग है, लोगों का अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन है, हर आदमी का अपना दिल दिमाग से जो है पॉलिटिकल अटैचमेंट होता है, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कोई बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जो है वो खुल करके मुस्लिम फेवर की सियासत करती है तो इसलिए मुसलमान ज्यादा तादाद में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का ये कहना है कि हम अपीजमेंट नहीं करते हैं, हम जो है इक्वालिटी और जस्टिस पर यकीन रखते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन
नहीं होने देंगे, तो उस हिसाब से मुसलमान उसी तादाद में जुड़ते हैं। तो देखिए ये पॉलिटिकल एंगल तो अलग अलग है। अब ये कहना कि कितने मुसलमान उसकी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सिर्फ बयान से अट्रैक्ट हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो अब तक लोग टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते रहे हैं, खासकर इस मुद्दे को लेकर कि अल्पसंख्यक और बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं, सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो क्या अब विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा? नहीं, तो उन लोगों को तो जरूर झटका तो लगा ही होगा, कांग्रेस वगैरह को या उनके लीडरों को यकीनन इस बात का झटका लगेगा कि जो जिस चीज को वो इश्यू बनाते रहे हमेशा हमेशा वो बीजेपी का खौफ दिला करके मुस्लिम वोट की सियासत करते रहे हैं, वो खौफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के दिल से उठ रहा है। तो अगर मुसलमानों के दिल से बीजेपी का खौफ नहीं, क्या कांग्रेस नहीं, विरोधियों का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जो भी सेकुलर पार्टियां, इमाम बुखारी साहब को भी उसमें जोड़ लेना चाहता हूं, अगर वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि मुस्लिम लोगों को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो क्या इमाम बुखारी साहब नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आए? देखिए इमाम बुखारी साहब अगरचे वो एक इमाम वो है, आप जाहिर है वो भी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इमाम से जुड़े रहते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट वो अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मैसेज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, शुरुआत किसी और को भी करनी पड़ेगी। इमाम बुखारी साहब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा जो है उनका अटैचमेंट रहा है, अगरचे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं लेकिन किसी ना किसी के फेवर में बयान देते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं, इस वक्त भी उनके कई रिलेटिव जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस एंगल में भी उनके बयान को देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कॉमन एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और एक बड़े इमाम हैं और उन्होंने कह दिया, ये नहीं है, उनका अपना कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है यकीनन जो वो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, वरना सच्चाई यह है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी का जो भी बयान आया है उस बयान के हर पहलू पर जो है उसके हर पहलू पर कहीं ना कहीं चर्चा जो होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार शर्मा साहब कांग्रेस नेता मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, अगर प्रधानमंत्री जो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं अगर वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो क्या हम उसे संकीर्ण सोच के साथ देख रहे हैं जब दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का परिवर्तन हुआ है और वो आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अपने ट्वीट में? देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो तो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, वो दूसरी प्रधानमंत्री के तौर पर लीजिए, हाँ, कुछ वो दूसरी नहीं। बात हाँ। जो बात आप कह रहे हैं, हाँ। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बयान पूरी तरह पॉलिटिकल बयान है, राजनीति से प्रेरित बयान है, सोची समझी एक रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। उसमें आप उस बयान को भी याद करें जो चाइना ने कहा, चाइना ने ये कहा कि भाई वो हिंदूवादी हैं, एक जमाने में अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना किया, अभी अमेरिका की उनकी यात्रा भी है, उस यात्रा के साथ भी उसको जोड़ें, उस यात्रा पे जाने से पहले। दूसरा, उनकी पार्टी के लोग जिस पार्टी के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बने हैं उनमें चाहे साक्षी महाराज हों, चाहे वो मेनका गांधी हों, चाहे वो दूसरे और लीडर्स हों, नजमा हेपतुल्ला हों या गिरिराज सिंह हों या योगी आदित्यनाथ हों या दूसरे लोग और भी अनेक लोग हैं जो इस सोच की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात नहीं करते हैं, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो समाज को लड़ाने की बात करते हैं। और गोधरा कांड में खुद पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि राजधर्म का पालन मोदी जी को करना चाहिए, तो मोदी जी की साफ छवि कहां है? तो ये रणनीति के तहत बयान है उनका, ये अचानक मोहब्बत, अचानक प्रेम उस समाज के लिए जो उपजा और हृदय परिवर्तन हुआ, तो ये सोचनीय विषय है, ठीक है। दुष्यंत जी, क्या चाहिए? बिल्कुल, जो दुष्यंत जी ने बात क्यों सवाल उठाया है उसमें जो मैं चीज कोट करना चाहता हूं पर हुड्डा साहब, उस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाने से पहले इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के वीजा नहीं दिया जा रहा था, गोधरा कांड का उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमेरिका को ये मैसेज जा सके? नहीं, एक बात, एक जरा मुझे एक बात कंप्लीट करने दें प्लीज, मैं आपसे एक विनती करूंगा, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आप उस बात पे भी गौर करें कि उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, नहीं ठीक, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, हां चलिए वो, और अमेरिका ने उनको बयान देने, अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया, चलिए वो आज का जो हृदय परिवर्तन है उसका मूल कारण क्या है? हुड्डा साहब, हाँ देखिए सुमित जी, जहां तक वीजा एक रिफ्यूज करने की बात थी अमेरिका की उस टाइम के अंदर, उस टाइम मोदी साहब एक मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री का हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा कद नहीं होता है, ठीक है, एक डेवलप्ड स्टेट है गुजरात, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर उसके, हाँ उसके बाद जैसे ही मोदी साहब एक प्रधानमंत्री बन गए और सिंगल हैंडली लेके आए हैं और वो सबको साथ लेके आए हैं, देखिए इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबका विकास के साथ लेके आए और ऑल रिलीजन ने उनके लिए वोट किया है, ये वो देश के प्रधानमंत्री है। अब ये मैसेज अमेरिका के लिए भी, दूसरे कंट्रीज
के लिए भी बिल्कुल साफ साफ है कि भाई मेरे कंट्रीज के, चाहे वो जैसे आपके यहाँ स्टेप दूसरी सौतेला व्यवहार होता है, मेरे कंट्रीज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है और मेरे मुसलमान मेरे देश के लिए लॉयल हैं और एक देशभक्त लोग हैं मेरे लिए। राय साहब, अगर क्या ऐसी कोशिश थी कि हम अमेरिका को ऐसा मैसेज दे दें कि जिस तरीके की आपने अपने जहन में छवि बनाई हुई है वैसी बिल्कुल नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, मुझे लगता है दुष्यंत जी की बात आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि मैं इनकी बात का भी जवाब देना चाहूंगा उस समय। आप बोल लीजिए दुष्यंत जी। दुष्यंत जी उंगली कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सुन ले तो मैं इकट्ठे बोल दूं। दुष्यंत जी का जो कहना है, मैं पहले उस दिन के पहले वाले सवाल भेजा, उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट कही है उसी पर आपका पहले। देखिए सुमित जी, मैंने पहले भी कहा, शायद दुष्यंत जी उस वक्त नहीं थे। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि जो विपक्षी दल है वो इस चीज को राजनीति में लेके आ जाते हैं। इतना बड़ा राष्ट्र है, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग संदेश देना चाहते हैं उस कट्टरपंथी अलकायदा को जिसने पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा रखा है, अपने उन कारनामों से, अपने धर्म के नाम पर कई जगह उसने बच्चों को एक तरह से परिवर्तन करके, उनके दिमाग को घुमा करके कहीं ना कहीं अपनी टीम में शामिल करके धर्म के नाम पर ये चीजें करी हैं। हम प्रधानमंत्री ने उन लोगों को संदेश दिया है और यह संदेश दिया है कि भारत एक मजबूत देश है जहां धर्म निरपेक्षता है, जहां हम लोग एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उस व्यक्ति ने यह संदेश दिया है कि यह विश्व में, जो आज की तारीख में विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा हुआ है हिंदुस्तान, वहां पर अलकायदा या ISI को कहीं जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष ये बातें कहता है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई बात नहीं। दुष्यंत जी, अगर नहीं, अब क्या ये मान लिया जाए कि एक, जो VHP के लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे? ये जवाब के खिलाफ नहीं, जवाब आएगा तो हम लोग जरूर बात करेंगे। वो चौधरी साहब, सुदीप साहब, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अल जवाहरी साहब ने एक बयान दिया आज से 10 दिन 12 दिन पहले, अचानक प्रधानमंत्री जी को ऐसी क्या जल्दी होगी कि 15 दिन बाद वो इस बात का जवाब दे रहे हैं? दूसरा, वो ये सिद्ध करके बताएं कि भारतीय मुसलमान उग्रवादी हैं क्या? हमारे यहाँ का कोई भी मुसलमान, वो आज नहीं, आपसे पहले भी देश प्रेमी था और आज भी है, आज भी उसको अपने देश से उतना ही प्रेम। हमारे देश का मुसलमान ना तो उग्रवादी करता है, ना वो किसी संगठन से कोई संबंध रखता है। प्रधानमंत्री का ये संदेश इतने दिन बाद, अल जवाहरी जी के बयान के बाद, एक शंका पैदा करता है कि उनके मन में उनके प्रति क्या निष्ठा है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात बड़ा दुखद विषय है, अगर भाई जी ये स्थिति नहीं है, जो धर्म को बांट रहे राज्यों में उनका जो खुद यही लोग हैं जो धर्म को बांट रहे हैं, उस गृह राज्य में ये बात हुई, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेके, सहारनपुर से लेके और 84 कोस यात्रा से लेके, मंदिर विवाद से लेके, सब चीज पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क इस पार्टी ने किया। क्या सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? और ये अभी एक और पत्रकार थे, जो पत्रकार उनके बड़े मुरीद हैं, बड़े उनकी वो करते हैं, वो ये बात कह रहे थे, मैं दूसरे चैनल पर था, वो ये कह रहे थे कि नहीं, प्रधानमंत्री पार्टी से बड़े हैं, उनकी बीजेपी पार्टी से उनका बड़ा बयान है। क्या वो पार्टी की वजह से प्रधानमंत्री नहीं है? चलिए, आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया है तो उसने, उन्होंने माइनॉरिटी को क्वेश्चन मार्क किया है, देश को बेइज्जत भी किया है। ये जो लंका है, ये बहुत देर से बयान है और उनकी निष्ठा इस बयान में नहीं है, पूरी तरह एक रणनीति के तहत बयान है अमेरिका की यात्रा पे जाने से पहले। दुष्यंत जी देखिए, मैं एक राय साहब एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूंगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। देखिए, नंबर एक, जो जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, एक ये इंटरव्यू 13 तारीख का, इसी महीने की 13 तारीख का है, उसके अंदर ये जकारिया साहब हैं जो CNN के जो आए हैं, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान अलकायदा के और ISIS दोनों से रिलेटेड पूछा उन्होंने। मोदी साहब ने कहा नहीं, मैं अपने देश के मुसलमानों को मतलब यह नहीं मान सकता, या मैं यह मानता हूं कि वो बहुत ज्यादा देशभक्त है, मेरे देश के मुसलमान उसको वो नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वो है सुमित जी, ठीक है, मैं आप ये मतलब हम लोकल VHP या किसी दूसरे से लेकर जाए मुद्दे, हुड्डा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान में इस भोली भाली जनता को इस्तेमाल किया जा रहा है, केवल इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोटों की संख्या इस तरह से है कि भोली भाली जनता का, अगर हम कुछ इस तरह की बातें करें, धर्म निरपेक्ष से हट करके कहीं ना कहीं कम्युनल हम बात करें, तो ये जनता क्योंकि भोली है वो निकल के इस तरफ आ जाएगी। केवल आप अगर देखें बयान को, जैसा हुडा साहब कह रहे हैं कि ये 13 तारीख का इंटरव्यू हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इस बात के जवाब में ये बात कही, 20 तारीख को ऑनियर होना है, हाँ, जो अभी होना है। अगर दुष्यंत जी जैसा व्यक्ति अगर मान लीजिए 22 तारीख को देखता तो बोलेगा साहब 22 तारीख को बयान आया है। अरे भाई, किस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, किसी के इंटरव्यू में? ये ऐसा नहीं है कि अल जवाहरी का जवाब आया और उन्होंने बोल दिया, कोई इंटरव्यू हुआ, उसमें पूछा गया और बाकायदा ये पूछा जा रहा है कि साहब ये ऐसी चीज होती तो क्या जवाब दिया जाएगा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस क्या, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है? आज अगर विकास की बात करते हैं तो उस मुद्दे पर इनके पास जवाब नहीं है।
कूटनीति की बात करते हैं तो उसमें कोई जवाब नहीं है। अब ये बयान आ गया, अगर मैं ये पूछता हूँ आपसे सुमित जी, आपके माध्यम से मैं ये पूछता हूँ, मैं आपसे अभी एक घंटे का टाइम आप पूछेगा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मोदी जी का ये बयान नहीं आता तब क्या होता? तब ये कहते देखो साहब प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आया। अरे भाई कमाल करते हो, बयान देते हैं तो दिक्कत है, बयान नहीं देते हैं तो दिक्कत है। नहीं, मैं अगर हम लोग अगर मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म निरपेक्षता की बात करती है तो आप कमजोर कह रहे थे, मतलब रस्ते के दोनों सेक्युलर लोगों की ठेकेदारी। एक बार जरा मुझे मौका देना दूसरा जी, बोले मैं आपके यहाँ देर से जुड़ा, मुझे मालूम नहीं मुझसे पूर्व में क्या बात, ठीक है ठीक है, मैंने जो कहा मैंने आपसे यही बात कही कि पूर्व में इसी पार्टी के नेता बहुत सारे अनर्गल बयान दे चुके हैं जिनमें गिरिराज सिंह है, जिन्होंने ये कहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं या दूसरे लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं। इनमें एक नहीं है, छोटे मोटे लीडर नहीं है, बड़े लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मेरा खाली आपसे आपके माध्यम से ये प्रश्न है कि आप एक संलिप्तता हमारे भारतीय मुसलमान की किसी उग्रवादी संगठन से बताएं, और प्रधानमंत्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आईसिस के बयान पे, और वो जो प्रवक्ता आप पहले है, तो एक जो, आप जो प्रवक्ता है जो हुडा साहब ने कहा वो बात इनको ठीक से समझाइए, जो सीएनएन के समझ सके, जो सीएनएन के प्रवक्ता है उनको देश की ठीक यही बयान यूएन में जो है मनमोहन सिंह भी दे चुके हैं, तो क्या उस वक्त क्या कहेंगे आप? यूएन में जाकर के मनमोहन सिंह भी यही बयान दे चुके हैं कि हमारे देश के मुसलमान जो है आईएसआईएस बयान देना गलत नहीं है, इनसे बयान अच्छा बयान है, जो भी अच्छी चीज है जो अच्छी चीज है उसका स्वागत होना चाहिए। मेरी बात मतलब मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं बात ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये बयान आईसिस के बयान के बाद दिया, आईसिस के अल जवाहिरी साहब के कहने के बाद दिया, ठीक है। दूसरा इनकी पार्टी के करेक्टर से मेल नहीं खाता है, और अगर ये मेल खा रहा था तो उनको जल्दी थी, इतना मोहब्बत इतना प्रेम उस समुदाय के प्रति निर्देश में उमड़ रहा था, ये अगर तो ये उसी टाइम कैरेक्टर को आज अचानक बात ना जा रही है, और उस यात्रा से पहले अगर कैरेक्टर की बात दूषण जी वो राजनीतिक है और इसका उद्देश्य कुछ और है, बयान कुछ और है, निशाना कहीं है। देखिए सुमित जी, इसको इस एंगल से देखा जाए, नंबर एक, बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, मोदी साहब को कोई अटेंशन नहीं चाहिए, ही डजंट नीड एनी पब्लिसिटी, एंड उसको कोई मीडिया फोबिया नहीं है। जहां तक मेरे साथी दूसरे लोग बात कर रहे थे, पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि भाई योगीनाथ वीएचपी लव जिहाद एंड ऑल, उन लोगों की क्या है, उनको चाहिए अटेंशन, मीडिया अटेंशन, पब्लिसिटी, मीडिया फोबिया एंड ऑल। देखिए यह हेड ऑफ द स्टेट की स्टेटमेंट को उस तरीके से नहीं काउंटर करें जिस तरीके से ये काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मैसेज हिंदुस्तान के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए प्लीज समझने की कोशिश करें कि जो हिंदुस्तान के गृह मुसलमान लोग जो दूसरे देशों में अपने काम करने जाते हैं, जो वहां पे नौकरी के लिए जाते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, उनको बरगला के कोई डाइवर्ट ना कर ले, मोदी साहब का मैसेज उनके लिए। दूषण जी, ऐसी क्या जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सब कुछ ठीक चल रहा है, खुद अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट कर रहा है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, क्या जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके का बयान देने की जिससे कि अमेरिका के पास एक पॉजिटिव अप्रोच चला? देखिए मैंने दो बार आपको इसी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, एक्चुअल वो अपनी इमेज सेकुलर दिखाना चाहते हैं, और उस वही कह रहा हूं, हाँ वो अपनी इमेज सेकुलर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस संगठन से वो जुड़े हैं वो संगठन सेकुलर नहीं है, वो सामुदायिक संगठन है। नहीं दूसरे जी, मेरा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, खुद अमेरिका उन्हें इनवाइट कर रहा है, उनके लिए तैयारियां चल रही हैं, वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं है कि वो अप्रोच करेंगे अमेरिका को वहां जाने के लिए, तो उन्हें ऐसी क्या जरूरत है जब अमेरिका खुद चाहता है कि प्रधानमंत्री हमारे यहां पर आए? नहीं, उससे पहले स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत अपनी इमेज उस तरह की लेके जा रहे हैं कि हम एक समुदाय विशेष में विश्वास नहीं करते, हम सभी के लिए सामूहिक कार्य करना चाहते हैं, और उस बात को वो भी पसंद करेंगे अमेरिकन भी, क्योंकि एक टाइम में अमेरिकन ने इनको वीजा देने से मना कर दिया। अब वो नहीं, हमें भी पसंद है वो बात, बस बात वो बात हमें भी पसंद है, लेकिन फिर क्या झगड़ा है? नहीं झगड़ा है, झगड़ा इस बात का है कि एक आदमी जो पूरे जीवन सामुदायिक रहा और इस बात से एक पार्टी को हेड करता रहा और सामुदायिकता की बात करता रहा और गोधरा कांड में लिप्त रहा, उसके बाद आज अचानक इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन क्यों? और जबकि आईसिस ने जो बयान दिया उस बयान के तुरंत बाद उनका बयान क्यों नहीं आया? 10 दिन बाद 12 दिन बाद क्यों आया? ये प्रश्न है, प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने बयान अच्छा क्यों दिया, ये तो अच्छी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो एक चीज मैं समझता हूँ, देखिए एक इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल लिमिट हम ना करें, उसको हम हर कॉन्टेक्स्ट में लें। देखिए तीन चीजें इसमें हो सकती हैं, एक तो ये कि वहां पर जो इंटरनेशनल मुस्लिम काउंसिल है अमेरिका के अंदर में, जिसके ऑब्जेक्शन के बाद और प्रोटेस्ट के बाद ही इनका वीजा कैंसिल हुआ था यूएस में, तो वहां उन लोगों में, वहां के यूएस मुस्लिम जो है उन लोगों में एक मैसेज ये है कि वहां के मुसलमान सेफ नहीं है और बहुत ही ज्यादा जो है अनसिक्योर अपने आप में
महसूस करते हैं, जो यूएस में एक मुसलमानों में जो सोच है, तो वहां एक मुसलमानों को यह मैसेज गया, बहुत बड़े पैमाने पर वहां मुसलमानों को मैसेज गया कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे देश के मुसलमान जो है सब देशभक्त है और हम उनको जो है ऐसा मानते हैं कि वो देश पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। दूसरी ये कि अलकायदा वगैरह को भी सख्ती के साथ एक तंबीह हुई कि तुम जो है हमारे देश के भोले भाले मुसलमानों को बहका नहीं सकते। और तीसरे सबसे बड़ा मैसेज जो मैं समझता हूं वो जो इस देश में जो मुसलमान जो इस वक्त वीएचपी लीडरों के बयान से आहत महसूस कर रहे हैं, हट महसूस कर रहे हैं, तो मुसलमानों को भी एक हौसला मिला कि नहीं इनके बयान से, पीएम का जब बयान आया तो यकीनन जो वीएचपी लीडर हैं, जो जैसे साक्षी महाराज ने भी बयान दिया और दूसरे गिरिराज वगैरह ने, योगीनाथ ने, ये बयानबाजी कर देते रहते हैं, तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा कि नहीं जब पीएम इस तरह का बयान दे रहे हैं तो हमें नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। उम्मीद तो से हम देखना, ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशन है कि उनका जो है इस तरीके की अगर बयानबाजी है वो रुकेगी। लेकिन चंद्र राय साहब, यहां पर अगर इस तरीके की बयानबाजी पहले होती रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या उन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि इस तरीके के आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों के समर्थन में अगर ऐसे बयानबाजी, अगर आपने कहा है कि मुस्लिमों की कहीं ना कहीं जो इच्छा है या फिर उनकी जो मनोदशा है भारत को लेकर, उस पर सवाल या निशान नहीं उठाया जा सकता, तो आप वहां पर भी तो कहीं ना कहीं कोई एक्शन लीजिए। मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप गिरिराज जी के बयान की बात करें, मैं आपको एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बात होती तो उसका जवाब तो इस तरह दिया जाएगा। ठीक है, जहां तक गिरिराज जी का सवाल है, क्योंकि दुष्यंत जी ने इस मुद्दे को उठाया था, गिरिराज जी के मामले में पूरी पार्टी ने एक स्टैंड लिया था और पार्टी का बयान आया था कि उनका बयान गलत है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, उनको फटकार लगाई गई, पूरा देश जानता है। मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं आपको फिर आगे बात कर रहा हूँ आपसे, अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कही होती या प्रधानमंत्री के मंत्रालय में बैठे हुए किसी मंत्री ने अगर बात कही होती, जरूरत की होती, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस बात को कहते। जैसा हुडा साहब ने कहा कि कुछ लोग हैं ऐसा, और केवल ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोग हैं, और ऐसा नहीं कि हिंदू को लेकर ही बात कहने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां बहुत से ज्यादा यूनिटी के संग लोग बैठे हैं तो बिखरे हुए लोगों की संख्या है जो छुटपट हर धर्म के अंदर बैठी हुई है। तो अगर उन लोगों को तवज्जो दे करके और हम उन बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान के परिक्षेप में एक बात करें तो बहुत दुखद होता है। मैं, दुष्यंत जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आज ये चीज को समझने को तैयार नहीं हो रहे कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा नेता जिसके ऊपर आप चार्जेस आज तक लगाते रहे हो कि ये कमनल है, वो व्यक्ति खड़े होकर के खुले दिल से इस बात को कह रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है, वो जहां के लिए जान भी देगा, यहीं के लिए जीता, यहीं के लिए मरता, और उसने ये संदेश न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में दिया है कि, और उस पे आप सियासत कर रहे हैं बजाय ये कहने कि इसका स्वागत होना चाहिए, बजाय ये कहने कि नहीं विश्व को ये मैसेज गया है कि नहीं हिंदुस्तान एक है। जहां जहां विश्व के बाहर ये बातें बाहर पहुंची हैं, वो न केवल विश्व में बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आज जो छोटे छोटे जो ये जो पटाखे बजते हैं ना छोटे छोटे, उन पटाखों से जो हल्का सा दर्द था मुसलमानों के अंदर, इस मैसेज के बाद कहीं ना कहीं उनको वो मरहम का काम कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री आज जो बच्चों की तरह जिस तरह भारत को पाल रहा है, क्या अपने बच्चों को संदेश नहीं देना चाहेगा? अगर ये संदेश दिया गया है तो निश्चित रूप से तथाकथित सेकुलर लोग, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि तथाकथित सेकुलर जो हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं उनका मुंह बंद होना चाहिए इस मामले के अंदर। ठीक, सुमित जी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, इफ अलाउ मी। देखिए, मोदी साहब को अगर आप फॉलो करते हैं जब से प्राइम मिनिस्टर साहब बने हैं, वो एक ना काम में बिलीव करते हैं, एफिशिएंसी में बिलीव करते हैं। देखिए, अगर ये इस तरह का एग्जांपल उन्होंने सेट करना था तो आपके J&K में इतनी भारी फ्लड आई और एक विशेष संप्रदाय के लिए उन्होंने तो जस्ट उसने पूरे देश की जो ताकत थी, जो पूरी सपोर्ट थी, वहां पर झोंक दी। उन्होंने अपने आप को वहीं पर प्रूव करके दिखा दिया। उनको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सेकुलर लगते हैं, अपने काम से दिखाते हैं, वो बोलते कम है लेकिन काम से दिखाते हैं। ठीक है, दुष्यंत जी, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तो क्या हम उसे संकीर्ण सोच के साथ देख रहे हैं? मैं दोबारा से अपना सवाल दोहरा रहा हूं, और क्या प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से अलकायदा को मैसेज देना चाहते थे, ठीक है, अगर उनका मैसेज जो है वो देश के मुसलमानों के पास भी गया है, जाहिर है उन्हें भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित वो जरूर होंगे, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इस तरीके का मैसेज आ रहा है उसका स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, उसका डेफिनेटली उसका स्वागत होना चाहिए। बयान जो दिया है, बयान बिल्कुल ठीक दिया है। बयान इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने भी ये बयान दिए हैं, सेम बयान दिए हैं। प्रॉब्लम इस बात की है कि एक ऐसा व्यक्ति बयान दे रहा है और ऐसे समय पर बयान दे रहा है जबकि उसकी यात्राएं निर्धारित हैं, तो वहां के दबाव हो सकते हैं, वहां की पहले से एक्सरसाइज हो सकती है। दूसरा, वो रणनीति के तहत बयान है, वो देश के मुसलमानों से उन्हें प्रेम नहीं है। अगर देश के मुसलमानों से प्रेम होता तो ये बात पहले कहते वो। दूसरा, उनकी पार्टी के लोग बेलगाम है, जिस पार्टी के वो प्रधानमंत्री हैं, जिस पार्टी के थ्रू वो प्रधानमंत्री बने, वो बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर भी हैं,
और एक्स मिनिस्टर भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी को छोटे आदमी थोड़े हैं, आप उनको गिरिराज सिंह जी की इन्होंने बात की है, दूसरा जो साक्षी महाराज है, नजमा हेपतुल्ला है, मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, आप क्या इनके बयानों को आप जीरो कर देंगे क्या प्रधानमंत्री के बयान के आगे? लेकिन हाँ, फिर भी चलिए, अगर वो हकीकत में इस बात पे आमादा है कि देश का जो इस तरह का समाज, जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, अगर वो इस तरह की सुरक्षा में वो सच में वो कह रहे हैं तो ठीक है, स्वागत योग्य बयान है। लेकिन मेरे अनुसार, मुझे जो लगता है, हमारी पार्टी का बयान भी इस बारे में आया है, हमें लगता है कि ये बयान उनका राजनीति से प्रेरित है और एक स्ट्रेटेजी के रणनीति के तहत है, और इनको इस तरह की क्योंकि अभी तक इनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। तो अभी आप देखिए ना, अभी ये चाइना की बहुत तारीफ कर रहे हैं, अभी मालूम है 1000 सैनिक तो कोटेड हैं जो सीमा के अंदर रह रहे हैं, जिनको फूड गिराया जा रहा है, उसमें तो कोई बयान नहीं दे रहे हैं, और फिर कौन सी शांति वार्ता कर रहे हैं चाइना के साथ? ठीक है, सवाल यही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, और साथ ही साथ सवाल ये भी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी, जिससे मुस्लिमों को अक्सर दूर कहा जाता है, क्या वो करीब आएंगे? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में किस तरीके की बयानबाजी इस वक्त सामने आ रही है, वो सुन लेते हैं। अगर हृदय परिवर्तन हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अकेला इंटरव्यू ये संकेत दे कि हृदय परिवर्तन हो गया है, ये कहना तो मैं समझता हूं संभव नहीं है, लेकिन जो बात कही है उससे क्या आपत्ति हो सकती है? प्रश्न इस बात का नहीं कि उन्होंने कहा, अगर हम मान भी लें कि उन्होंने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है और सच्चे मन से कहा है, तो एक प्रश्न ये उठता है कि उनके जो साथी कह रहे हैं और कर रहे हैं उस पर अंकुश कौन लगाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने आज ये कहा है कि मुस्लिम जो है उनकी देशभक्ति की भावना पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं समझता हूं ये बात पूरा भारत जानता है, लेकिन भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री देश के जब ये बात कहते हैं तो मैं समझता हूं इसकी जरूरत भी थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रोज सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए ये अच्छा हुआ कि आज प्रधानमंत्री का ये बयान आया। हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क के वफादार हैं और इस हुबुल वतनी के लिए यानी देशभक्ति के लिए मुसलमानों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जो बयान मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल दिया है, इस ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि वो मुसलमानों को से बात करने के बजाय और मुसलमानों से कहने के बजाय अपने लोगों को समझाने की कोशिश करें जो मुसलमानों को पर आतंकवाद का इल्जाम लगाते रहे। तो कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके के आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम जो हैं वो देशभक्त हैं, और साथ ही साथ सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या वास्तव में बीजेपी का या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म हृदय परिवर्तन हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के जो पक्ष में किस तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं वो आपको भी सुना देते हैं। ये बात जो है नरेंद्र मोदी जी के दिल और दिमाग से निकली है, उनके जहन से निकली है, उनके यकीन से निकली है, और यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो सारे इलेक्शन कैंपेन में और उसके बाद भी जब जब उन्होंने भाषण दिया है, जब जब वो देश से मुखातिब हुए हैं, हर बार उन्होंने ये बात दोहराई है। वो कहा है कि भाई हम ऐसे मुसलमान को देखना चाहते हैं जिसके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, वो आगे की तरफ देखते हैं और वो जानते हैं कि मुसलमान पेट्रियट है, बहुत बड़ा पेट्रियट है हिंदुस्तान का, जंग पे लड़ा है, जंग पे मरा है, और उसका भविष्य जो है अपनी मातृभूमि के साथ। प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय मुसलमानों के विषय में टिप्पणी की है, जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है भारतीय मुसलमानों के प्रति जो जीते हैं देश के लिए, मरते हैं देश के लिए, और ये बिल्कुल सही कहा है। निश्चित तौर पर देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिस तरह से भारतीय मुसलमानों ने देश की रक्षा, सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाने में जो अहमियत रखा है, उससे सब लोग वाकिफ है, दुनिया वाकिफ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना बिल्कुल सत्य है। इजाज़ साहब,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्टेटमेंट जरूरी था क्योंकि इससे पहले या इससे पूर्व में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए या मुस्लिमों के लिए उनके खिलाफ जो है बयानबाजी आती रही है, क्या वास्तव में ऐसा था? नहीं, देखिए हम लोग तो बल्कि अभी उम्मीद लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और आगे आकर के इस तरह का बयान देना चाहिए। गर्चे जैसा कि कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल जो अभी टूर है, अमरी यूएस टूर है, उस पसे मंजर में है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को अभी इंतजार था इस तरह के बयान का कि प्रधानमंत्री आगे आकर के कुछ ऐसा बयान दे ताकि खुद उनके अपने जो लीडर हैं जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं उनका मनोबल डाउन हो। और उस इंतजार के बाद जब ये बयान आया है तो यकीनन मुसलमानों में कुछ ना कुछ खुशी है और महसूस कर रहे हैं कि एक सही सिमत पर मतलब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और आइंदा भी वो सेफ है। वरना कुछ ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि जिस तरीके का माहौल तैयार कर दिया जाता है किसी बेबुनियाद इशू को लेकर के कि एक मुसलमानों में अजीब तरीके से खौफ सरासी की डर पैदा लगता है। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक दूरी बताई जाती है बीजेपी के बीच में और मुस्लिम समुदाय के बीच में वो इससे घट जाएगी। देखिए दूरी जो है कोई भी रूलिंग पार्टी होगी तो उससे तो जो यहाँ के लोग होंगे उनके तो कहीं ना कहीं करीब रहना ही पड़ेगा, लेकिन वो दूरी और कुर्बत का मसला तो खालिस वो पॉलिटिकल मामला होता है। लोकतंत्र रहने वाली तो लोकतंत्र वो पीएम है तो लोकतंत्र रहने की कोई स्थिति नहीं है। सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो उससे वो जो मनमुटाव है या वो जो कटापन है दोनों के बीच में क्या वो कम हो जाएगा? नहीं, यकीनन इस तरह के अगर बयान देते हैं तो उससे मुसलमानों के अंदर भी जो कुछ फीलिंग है या मनमुटाव है या एक डर की लहर बीच में पैदा हुई थी उसमें तो कमी आएगी और यकीनन मुसलमान चाहेंगे कि इस तरह के बयान आते रहें, मुसलमानों के लिए बयान देते रहें वो। और खुद मेरी कई मीटिंग हुई है उनसे और उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, बल्कि मैं कहूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँ एक बड़े हिंदू लीडर का नाम लेकर के उन्होंने कहा, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, उन्होंने कहा कि एक तरफ अगर वो लीडर खड़े हों और 10 मुसलमान अगर आप जैसे यहां पर बराबर में खड़े हों तो मुझे इस हिंदू लीडर से मुझे डर लगेगा, अपनी जान को इन मुसलमानों से डर नहीं लगेगा। इस तरह का बयान वो दिए हुए पीएम बनने से पहले पहले मेरे सामने में बयान दिया है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि वो उनका बिल्कुल हृदय ऐसा मुसलमानों के खिलाफ ही है और हृदय परिवर्तन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से वो पीएम के कैंडिडेट बने मैंने देखा उनके अंदर चेंजिंग आई है और जब आदमी एक लेवल पर चला जाता है तो फिर उस लेवल का कुछ ना कुछ पास वैसे भी रखना पड़ता है। अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदुओं के नहीं है या जिसने वोट दिया उसके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मुसलमान सबके प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है जिसने वोट दिया है, जिसने स्वागत होना चाहिए जो उनके पॉलिटिकल सबके प्राइम मिनिस्टर। मैं आपसे भी यही सवाल जानना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आया है जिस तरीके की पहले छवि बनाई गई है या बनी है जिस तरीके से राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या अब वो कटाक्ष या वो खटाई जिस भी तरीके की है जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएंगी? देखिए बिल्कुल हर पार्टी जो ओपोजिशन की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, सबने स्वागत किया है और स्वागत योग्य स्टेटमेंट है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मोदी साहब अब प्राइम मिनिस्टर हैं और पार्टी एक डिफरेंट है। देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि भी बीजेपी के कुछ लीडर्स ने या कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने या सपा के कुछ लीडर्स ने वो अपनी डिफरेंट उनकी पार्टी लाइन से जाके वो अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। मोदी साहब नाउ स्टेट हेड कर रहे हैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के कोई उसके मिनिस्टर्स या उसके कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई इस तरह का अहदेदार आदमी वो स्टेटमेंट देता तो मोदी साहब एक रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। जहां तक गिरिराज जी या दूसरे जो लोग साक्षी महाराज जिनका भी नाम ले रहे हैं ये, तो उसके लिए अमित शाह शुड बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए पार्टी लाइन डिफरेंट है, बींग ए प्रेसिडेंट मैं इसको एनालाइज करने की आपको मैं उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक पार्टी की एक लाइन आ जाती है। इसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी प्रेसिडेंट हैज टू टेक एक्शन, उसने गाइडलाइंस देनी है कि नहीं आपकी ये लाइन ऑफ डायरेक्शन है, आपने इस पर काम करना है। अगर योगीनाथ जी ने या साक्षी महाराज ने किया तो अमित शाह साहब की स्टेटमेंट मांगिए, अमित शाह साहब से बात कीजिए। अमित शाह जहां तक मोदी साहब की बात है, मोदी साहब एक अपनी डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं राय साहब, जिस तरीके से जा साहब ने यहाँ पर कहा कि कहीं ना कहीं एक नरमी जरूर आएगी, तो क्या माना जाए कि वही स्ट्रेटेजी थी और उसमें कामयाब हो जाएंगे? मैंने फिर पहले भी कहा था कि ये स्ट्रेटेजी का मामला नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत देश में सभी धर्मों के सभी समुदाय के लोगों के प्रधानमंत्री हैं और ये स्टेटमेंट दिया गया है अलकायदा के लिए, निश्चित रूप से उस इंटरव्यू का हिस्सा है, लेकिन इस
स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों को भी ये कहीं ना कहीं ये लगा है, जो उनके मन में किसी न किसी कारण से ये भाव रहता था कि भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ नहीं है। मैं ऐसा मानता नहीं कि सभी लोगों के मन में ऐसा आता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में किसी न किसी कारणों से ये रहता था। तो ये बयान जब आने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास आया होगा कि नहीं साहब, मैं अपने प्रधानमंत्री की मैंने बात सुनी है, और ये प्रधानमंत्री जब ये बात कह रहा है तो निश्चित रूप से वो देश के लिए कह रहा है, और हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीजों से अब आगे खुलने लग गया है। ठीक है, करीब जो जाने की बात है वो कहीं ना कहीं जो है सही होती जरूर दिखेगी। दुष्यंत जी, जाहिर है इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक बीजेपी नेता भी यहां पर बता रहे थे, जब आप प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि वो कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की या कुरान की बात वो पहले भी कर चुके हैं, तो इस बयान में और उस बयान में ऐसा कौन सा अंतर आ गया? नहीं, कोई अंतर नहीं है। जो जाहिर है वो तो प्रधानमंत्री बनने से पहले भी इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे थे। आपने इससे पहले कहा कि अमेरिका के लिए एक ऐसी पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब वो तो इससे पहले भी इस तरीके के स्टेटमेंट देखिए, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है जिसको डिफेंड किया है, जिसको हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, वो पार्टी से अलग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो अगर वो बात सत्य है कि वो पार्टी से अलग हैं, वो ये सत्य है कि ये वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या वो उस पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं? उसकी आइडियोलॉजी जो है अगर वो उससे डिफर बयान कर रहे हैं और उस पर डटे रहते हैं तो ये बात हुड्डा साहब की सही है, लेकिन जो पार्टी का करैक्टर है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट है। बदले बदले से नजर आ रहे हैं सरकार, अब वो उस टोन में बात नहीं कर रहे हैं जिस टोन में वो चुनाव के टाइम कर रहे थे, अब वो उस टोन में बात नहीं कर रहे थे, कर रहे हैं जब वो गोधरा में बात कर रहे हैं। वो प्रचार का बात खत्म हो गया है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं। बयान देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अच्छा हो सकता है, बयान है ठीक है, बयान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या वो उसी बात पे डटे रहेंगे? क्या पार्टी उसी बात पे डटी रहेगी? या उनके जो लोग हैं, जो बड़े सीनियर लोग हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, क्या और दूसरे सीनियर लीडर्स बीजेपी के हों, क्या वो उसी स्ट्रेटेजी को या उसी रास्ते को अडॉप्ट करेंगे जिसको प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? नहीं साहब, आप बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर उस या उस लाइन को फॉलो किया जाना चाहिए, जाहिर है प्रधानमंत्री के तौर पर तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके नीचे जिस तरीके के नेता काम कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्हें आप लोगों ने किस तरीके से एक लाइन के तहत लाया है, नहीं लाया? देखिए, ये जो बयान हुआ है, मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल फोरम के पर ठीक बात है, हुई जाहिर है, लेकिन इसका मैसेज भारत में भी गया है ना, इसका मैसेज डाउन द लाइन गया है। और निश्चित रूप से जो लोग इस तरह के बयानबाजी करते थे उनको प्रधानमंत्री का कड़ा मैसेज। अब अगर प्रधानमंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं तो किसकी हिम्मत है उसके बाद इस तरह का बयान देगा? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं की बात भी कह चुके इस चैनल के माध्यम से, पहले भी मुस्लिमों के हक के बारे में बात करी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के स्टेटमेंट। मैं यही मैं बात कह रहा हूं, देखिए अभी तक क्या था, हम लोग घर में बैठे थे, हम देश में कोई बात कहते थे, पक्ष और विपक्ष कोई बात बोलता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है, 10 लोगों के बीच में जाकर कहना है आप राजनीति करिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब भारत का प्रधानमंत्री एक विश्व को मैसेज दे रहा है, भारत का प्रधानमंत्री एक अलकायदा को मैसेज दे रहा है, ऐसी स्थिति में एकजुट ना होकर के देश को, ऐसे लोग जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं वो फिर देश को बांटने की बात कर रहे हैं। अरे आपको खड़े होकर मजबूत होना चाहिए, मजबूती से आपको कहना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए उसमें भारत एकजुट है और हम सब उसका साथ देते हैं। यहां दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, ये मैसेज विश्व में जा रहा है और पीछे पीछे इनका मैसेज आ रहा है, नहीं साहब ये तो ऐसा कर रही है ऐसा कर रहा है, कितना दुख वाली बात है बताइए। जो सवाल आते हैं जहन में वो जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन नहीं पूछना चाहिए, मैं ये कहता हूं पूछना चाहिए और ये बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से छाती एक बार जो है उसकी जो मैं लास्ट लाइन में कोट करना चाहता हूं कि कभी भी देश के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अल्पसंख्यकों के बारे में। जी बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने किस लिए कहा है? कि उन्होंने अलकायदा का ये बयान था कि अब हम अपनी ब्रांचेस जाकर के हिंदुस्तान में खोलेंगे और यहां पर हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को अपने संग जोड़ने की बात कही है उन्होंने। बिल्कुल, अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का यह बयान आना बहुत जरूरी था अलकायदा के लिए कि आप इस गलतफहमी मत रहिए, कभी भी हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में जिएगा, हिंदुस्तान में मरेगा और हिंदुस्तान के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। इस बयान का एक सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन इसमें क्यों अलग लगा लगा एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं राय साहब, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट है कि जो है कभी भी देश के बारे में बुरा नहीं सोचा जाएगा, फिर लव जिहाद और इस तरीके के मुद्दे फिर सामने क्यों आ जाते? देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप स्टेटमेंट देखें प्रधानमंत्री का, स्टेटमेंट देखें राजनाथ सिंह जी का, होम मिनिस्टर नंबर 2 पे, क्या आपने इन दोनों लोगों के मुंह से कभी लव जिहाद की बात सुनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट के बहुत सारे लोग हैं, अगर मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग हर पार्टी में ऐसे हैं जो अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन अगर मास की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों की संख्या नहीं है, नगण्य के बराबर है जो इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं।
ये एक इंसिडेंट है जो हो रहे हैं उस पर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दे ली, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं कहा ऐसी बात। ठीक है, अपनी बात रखिए उड्डा साहब। देखिए राय साहब की एक बात को, एक सेकंड के लिए सुमित जी, मैं राय साहब की एक बात को आगे बढ़ाता हूँ। राय साहब ने जैसे कहा, मैं उस बात से काफी हद तक सहमत हूँ। जो जहां तक लव जिहाद की मेरे दूसरे साथी पैनल से भी बात की, लव जिहाद की ये एक मीडिया में उपज गया है, एक सोशल मीडिया से उठा हुआ एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा एक डिस्कशन लेके आ गए जिसका जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इसको उठाया था, उसको सोशल उस पर लेके आ गए, उसके बाद मीडिया ने उठा लिया और कुछ पैनलिस्ट ने इसको डिबेट में ला दिया। बड़ा साहब, पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता उनके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस तरीके के। देखिए जाहिर है फिर तो मीडिया में इस तरीके हल्ला होगा ही। और जाहिर है, इजाज साहब से मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में, क्या इस तरीके के मामले सामने नहीं आए हैं? क्या इस बारे में कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है? इसीलिए मैंने राय साहब से सवाल पूछा कि क्या अगर इस तरीके की स्टेटमेंट है आखिरी लाइन का जो मैंने कोट किया था उसके बाद, तो फिर सवाल यह है कि फिर क्वेश्चन मार्क कहां से उठाया जा रहा है? देखिए सुमित साहब, मैं फिर बात कह रहा हूं कि कुछ जगह पे हर धर्म में ऐसे लोग हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अभी तक लव जिहाद में यह दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की से शादी करें, लव जिहाद दिखा दें। क्या किसी मीडिया ने यह दिखाया कि मुस्लिम लड़की ने शादी करी हो हिंदू के संग? ये एक फसाद बढ़ाने की जड़ है जिसपे एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है इन सब चीजों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज विकास का मामला है, विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। जो लोग इन लोगों की बातें करते हैं उनको रोकने का काम करना चाहिए, इन मुद्दों को नहीं बढ़ाना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। आज देश विकास की तरफ चल रहा है, हमको विकास की बातें करनी चाहिए। विकास के अंदर जितना पूरा हिंदुस्तान, जब मोदी जी कहते हैं कि विकास के मामले में यह जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री विकास करेगा, मंत्री विकास करेगा या ब्यूरोक्रेट विकास करेगा, विकास के अंदर वो भी शख्स विकास करेगा जो पढ़ा रहा है, जो बड़ी का काम कर रहा है, जो लकड़ी का काम कर रहा है, हर आदमी जुड़ा हुआ देश के अंदर विकास करने की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में लव जिहाद या जिस तरह से समुदाय की बातें होनी, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक राय साहब, मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूं। देखिए सुमित जी, जहां तक लव जिहाद है, ये है, ये क्रिएशन है एंटी सोशल एलिमेंट्स की। देखिए आप जैसे जैसे और कुछ समय हो जाएगा, एक महीने, दो महीने, तीन महीने बाद लव जिहाद विल बी एलिमिनेटेड, इसका वो नहीं रहेगा, इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं आएगा। ये तो एक सोशल एलिमेंट्स से, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोशल साइट्स पर लाके इसको उठा दिया है और कुछ एक दो मीडिया चैनल हैं जो डिबेट पर लेके आ गए और उन्होंने जाके जो मिनिस्टर्स हैं उनके आगे रख दिया जी लव जिहाद क्या। राजनाथ साहब बोलते हैं जी मुझे मालूम नहीं है और कुछ लोग बोलते हैं हमें मालूम है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं बात करना चाहूंगा, शुरू में राय जी ने एक मुसलमानों के ताल्लुक से कहा कि ये बहुत सीधे लोग होते हैं, सीधे कौम है, उनको फुसलाया गया। ये सच्चाई भी है इसमें। देख लीजिए, मुसलमान जो किसी भी तरह का, चाहे छोटे लोग स्टेटमेंट दे या बड़े दे, वो उसको महसूस करते हैं और बहुत अपने आप में जो एक फीलिंग होती है उनको। आपको याद होगा इसी को, जो अभी जो पीएम का जो स्टेटमेंट आया है उसको थोड़ा सा और बैक में जा करके और उस स्टेटमेंट के तनाजुर में देखें कि जब राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के नौजवान, मुस्लिम नौजवानों के बारे में ये कह दिया था कि वहां के मुस्लिम नौजवान जो है ISI के कॉन्टेक्ट में है, इस बयान को लेकर के पूरे मुल्क में मुस्लिम नौजवानों में इस कदर अपने आप में आहत महसूस किया था और इतना अपने आप में मतलब हट महसूस किया था कि इसका मतलब ये कि पूरे देश के मुसलमानों को और मुस्लिम नौजवानों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था उन्होंने। ये राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया था, तो अब ये देख लीजिए कि उस बयान को इस बयान से आप देख लीजिए, मिलाकर के देखिए, खुद राहुल गांधी ने भी खुद इस तरीके का स्टेटमेंट दे चुके हैं। स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा बयान दे रहे हैं तो जाहिर है उनकी सराहना तो होनी चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी अगर इसके विपरीत इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो किस मनोदशा दे रहे हैं? देखिए, जो मुजफ्फरनगर में जो परिस्थिति आई थी, उन परिस्थितियों में जो बीजेपी पार्टी थी उसके लोग और उसके दूसरे संगठन, चाहे वो संघ हो चाहे वो दूसरे VHP के लोग हों, तो उस तरह के वहाँ पे वीडियो क्लिपिंग्स वहाँ घूमी थी और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आई थी जिनसे ये बात साबित हो रही थी कि ये पार्टीज उस जिहाद उस वहाँ पे सामुदायिक सद्भाव नहीं बनने दे रही हैं और उसमें आपसी सद्भाव जो था उसको राहुल गांधी की बात खत्म कर जा रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करें, मैं वहीं आऊंगा, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। दूसरा एक और, जब राहुल गांधी जी वहां गए तो जो परिस्थिति आई, जो स्थिति आई, जो उनको इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने देश की जनता के साथ में शेयर किया, उसको उस परिप्रेक्ष्य में आदमी ना देखेगा हम उस समाज को बांट रहे थे। हम पिछले, हम हमेशा से उस समाज के साथ रहे, उसके दर्द में खड़े रहे, उसके दुख में खड़े रहे और हमने कभी उसको ऐसा नहीं किया, हमने अपने हृदय से ना लगाया। आज राहुल गांधी, आज जो परिस्थिति है, क्या रूमर्स के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं? ये रूमर्स नहीं है, उनको सवाल उस टाइम पूछे गए थे, उनका उन्होंने वो भी दिया था, प्रूफ भी दिया था, बाद में दूसरे लीडर ने माफी मांगी थी। दूसरा, आज की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक CNN का प्रवक्ता जो अमेरिका में रहता है और जो इस तरह के सवाल प्राइम मिनिस्टर से कर रहा है, जो इसको जिसको यहाँ की परिस्थिति मालूम नहीं है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपना बयान दिया है और वो बयान दिया है जो उनके करेक्टर से मेल नहीं खाता, उनकी पार्टी से मेल नहीं खाता। इसीलिए हम उसका स्वागत तो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बयान तो ठीक दे दिया। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा बयान नहीं आया दुष्यंत जी?
क्या इससे पहले प्रधानमंत्री का ऐसा कोई बयान नहीं आया? प्रधानमंत्री का आज तक उस पार्टी का कोई बयान नहीं है, उसके पार्टी के लीडर्स तो कहते हैं कि उनको पाकिस्तान भेज दीजिए जो उनके खिलाफ बात करते हैं। गिरिराज जी ऐसा बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, आदित्यनाथ। चलिए ठीक है, ओवरऑल मैं इसका आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता हूं यहां पर। अगर इस पूरे बयान का परिप्रेक्ष्य देखा जाए अलकायदा के अलावा, इंडिया में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। देखिए, ये था मैसेज, राय साहब भी इस बात से सहमत हुए हैं और इन्होंने भी आगे उस बात को बढ़ाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था। लेकिन हम लोगों ने, हमारे मीडिया ने इसको, इस बयान को हाथों हाथ लेके और घर घर पहुंचाने में इसकी कोशिश करी और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया, विच इज वेरी गुड। पॉजिटिव मैसेज जो है देश की अल्पसंख्यक कौम के बीच में गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश, चाहे वो छवि सुधारने के लिए थी या फिर अलकायदा को एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए, उम्मीद यही की जा रही है कि एक पॉजिटिव अप्रोच जाए दोनों ही मुद्दों पर। वहीं आज सुदर्शन न्यूज का सवाल है, क्या मोदी पर मुस्लिम विरोधी तमगा अब हट जाएगा? आप अपने जवाब हां या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हां है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वैसे दर्शन न्यूज़ ने सवाल कल आपसे पूछा था, क्या तो लोगों की राय जो हमारे पास आई है उसमें 65% का कहना है हां और 35% का कहना है नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।